हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप ORG में। आज हम ये सीखेंगे कि डबल टैप को कैसे इनेबल करेंगे। यदि आप ओप्पो रेनो 2Z या ओप्पो रेनो 2F का मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डबल टैप को इनेबल कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में आना होगा। तो चलिए हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग को जैसे ओपन करेंगे, नया इंटरफेस ओपन हुआ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते ऊपर की तरफ, तो इसमें देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा हो होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इससे हमें एक बार टच करना होगा। टच जैसे करेंगे तो इसमें हमें ढूंढना है कि डबल टैप का ऑप्शन कहाँ है। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं, ऊपर आएंगे तो अब देख सकते हैं कि हमें मिल चुका है कि डबल डबल टैप टू वॉक स्क्रीन है। तो इसे हमें एक बार टच करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। तो इसे हमें एक बार टच करते हैं। टच करने के बाद देखिए ये अनेबल हो चुका है, डबल टैप अनेबल हो चुका है। तो इसी तरह अपने फ़ोन में अनेबल कर लीजिए। ये ज़रूरत कहाँ पर पड़ता है, जैसे कि आपका फ़ोन अनलॉक करने की पे ज़्यादा यूज पड़ता है। जैसे कि आपका फ़ोन लॉक करने के लिए एक बार हम पावर बटन दबाते हैं, ये लॉक हो जाता है। और अनलॉक करने के लिए हम एक बार पावर बटन को दबाएंगे, फिर जाके फिंगरप्रिंट या जो भी आपका पैटर्न वगैरह वो डालेंगे तब अनलॉक होगा फ़ोन। तो इसमें आपको जैसे फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपको ये क्या कहते हैं, फिंगर जो आपको पावर बटन है, पावर बटन को बार बार नहीं यूज करना है। डिस्प्ले के किसी भी एरिया में आप फिंगर को डबल डबल टैप करेंगे, यानी डबल एक ही साथ दो बार आप डिस्प्ले पे टच करेंगे तो आपका लाइट जलेगा। लाइट जलने के बाद में आपको जो फिंगरप्रिंट डाल के पैटर्न डाल के खोल सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। तो ये देखने के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपका इससे होगा कि पावर बटन जल्दी ख़राब नहीं होगा। यदि ख़राब है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए।